यार ये अंगूरा रैबिट्स है मेरे पास, ये भी ड्रायो है यार, ये रम का पेयर है, ब्रीडर पेयर है, तरीके से नहीं खड़ा होता ये बस। क्या डिमांड है इसकी? यार इसकी डिमांड यहाँ पे देख रहा हूँ, मोर के चिक्स भी आपने रखे हुए हैं और यहाँ पे वाइट कलर में भी हैं इसके अलावा। ये हाई फ्लायर कबूतर हैं, इसको सियालकोटिया कहते हैं। क्या चल रहे रेट इसके? यार डायमंड मार्केट के रेट तो लोग 2,000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आस में इंफॉर्मेटिव चैनल जिनेद जमशेद, एक बार फिर आप लोग के खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स एक बार फिर हम ताहिर बर्ड शॉप पे मौजूद हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि ताहिर भाई ने कौन कौन से नए बर्ड्स आप तमाम व्यूवर्स के लिए यहाँ पे मंगवाए हैं और इनकी शॉप की क्या सूरत हाल चल रही है। तो आइए सबसे पहले ताहिर भाई से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं ताहिर भाई? अल्लाह का शुक्र है जी, सब खैर। ये बताएं कि ईद के हवाले से कोई नया बर्ड लेकर आए व्यूवर्स को, क्या ईदी पैकेज दे रहे हैं? सरकार जी ईद के हवाले से तो हमारे पास ये पैकेज होता ही है, मोर वोर सुरखाब ये सारे आइटम होते हैं हमारे पास। तो ये कि ईद के हवाले आपको पता है कि बकरा ईद में लोग तो गायें बकरों पर ही चल रहे होते हैं, कोई ऐसा आइटम नहीं है, दुकानदारियाँ भी सिलो हुई भी होती हैं सारी। तो ये कि इंशाल्लाह ताला ईद के बाद तो मेरे पास काफ़ी आइटम आएगा, लेकिन अभी भी मेरे पास मौजूद है, मेरे पास मुर्गे भी हैं, मेरे पास कनौर के भी जोड़े रखे हुए हैं, ठीक है ना, मेरे पास बटन कॉइल के बटेर्स भी रखे हुए हैं, मोर के बच्चे भी आए हैं, सुरखाब भी आए हैं, रैबिट्स में दिखाऊँगा, अंगूरा रैबिट्स भी मेरे पास आए हैं, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। तो कोई मुर्गा है जो गोश्त खाता हो? मुर्गा तो गोश्त नहीं खाता, हाँ आपका ज़रूर खा लेगा अगर आप हाथ देंगे, वो काटने वाला मुर्गा एक मेरे पास। चलें तो व्यूवर्स आइए ताहिर भाई की शॉप का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बर्ड की कौन कौन से ब्रीड मौजूद है और क्या प्राइस मिलता है। जी ताहिर भाई ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। यार ये रम का पेयर है, ब्रीडर पेयर है, इसने इस सीज़न बच्चे भी दिए और माशाल्लाह बड़े प्यारे इसके बच्चे निकले थे कलर के अंदर ना, येलो और ऑफ वाइट के अंदर, ये आप पेयर देख सकते हैं। कलर वलर देखिए, इनको बैक साइड से इनका कलर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत पेयर है ये, और रेड आइस के अंदर है, मेल फीमेल। अच्छा क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? यार इसकी डिमांड तो हम 25,000 रुपये कर रहे हैं पेयर की पूरे, ठीक है, लेकिन ये है कि इसको जो फाइनली देने वाले हैं 22,000 रुपये तक के दे देंगे इसको। ब्रीडर पेयर है कन्फर्म, और रिंग बर्ड है, मेल जो है इसका रिंग बर्ड है। जी ताहिर भाई ये जो हम देख रहे हैं सनी गाल, इसके बारे में बताएं। सनी गाल का मेरे पास मेल रखा हुआ है एक, कि ये मेल आया था मेरे पास, ये मेल रखा हुआ है जी। अच्छा मैच्योर अडल्ट, मैच्योर अडल्ट ब्रीडर मेल है ये। क्या डिमांड कर रहे हैं? यार इसकी डिमांड तो 10,000 रुपये, लेकिन ये कि फाइनली ये आपके व्यूवर्स के लिए ये 8,000 रुपये तक कर दूंगा मैं, और फुल एक्टिव है ये, और अपनी मतलब ये जिस टाइम पे सीटियाँ मार रहा था तो पता नहीं अजीब ही आवाज़ें निकाल रहा होता, इसके समझ में तो बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रहा होता सनी गाल। बिल्कुल सनी गाल। और ये घर का मतलब जंगली नहीं है, ये वाइल्ड नहीं है, वाइल्ड होता तो अभी हालत बुरी कर देता, ये वाइल्ड नहीं है, घर का पला हुआ है। अच्छा ताहिर भाई ये बताएं कराची के एनवायरनमेंट में ये ब्रीड कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल ब्रीड कर रहे हैं ये जिनके पास से मेरे पास आया, उसने घर बच्चे लेकर आया था दो, और माशाल्लाह उसके बाद जब बड़े हुए तो ये दोनों ब्रीडर पेयर निकल आया, और उसने लेकिन बकौल उसके के कह रहा यार मादी के अंडा फंस गया था, वो निकल नहीं सका, इस दफ़ा ब्रीड में एक ब्रीड लिया उसने, दूसरी ब्रीड में मादी एक्सपायर हो गई थी। ठीक है तो सेल जो है वो सेल करके मुझे चलाई है, फिर मैंने परचेस कर लिया। जी ताहिर भाई ये जो हम रैबिट देख रहे हैं इसके बारे में बताएं, क्या डिमांड कर रहे हैं, कौन से रैबिट हैं? यार ये डियर रैबिट्स कहलाते हैं, ये हिरन के कलर के होते हैं, बड़े अच्छे वो होते हैं ये, लेकिन इम्पोर्टेड ब्रीड है बाहर की है। अच्छा, ठीक तो है ना, क्या डिमांड है इसकी? यार इसकी डिमांड तो हम 20,000 रुपये ट्रायो की कर रहे हैं, दो फीमेल है एक मेल है, लेकिन इसके फाइनल जो देने वाले हैं वो 15,000 रुपये में हम ट्रायो दे देंगे इसका। ठीक है ये बताइएगा कि ये ब्रीडर हैं? ब्रीडर कन्फर्म ब्रीडर है, इसमें एक मादी ने ब्रीड की हुई है, बच्चे भी दिए हुए मेरे पास, मैंने उसके सेल कर दिए थे बच्चे। जी ताहिर भाई ये जो हम रैबिट देख रहे हैं इसके बारे में बताएं, कौन सी ब्रीड है, क्या डिमांड कर रहे हैं? यार ये अंगूरा रैबिट्स है मेरे पास, ये भी ट्रायो है, एक मेल है दो फीमेल है, अभी ये 5-5 महीने के बच्चे हैं, ये भी फुल बड़े नहीं हुए, मैच्योर नहीं हुए। अच्छा साइज और बढ़ेगा या? अभी तो काफ़ी बढ़ेगा इनका, अभी तो काफ़ी बढ़ेगा इनका साइज़ और बड़ा होगा। जी जी काफ़ी साइज़ बड़ा होगा इनका, क्योंकि नॉर्मल कॉमन जो रैबिट होता है उनका ये मैक्सिमम साइज़ होता है। जी जी इतना बड़ा, इतना बड़ा नॉर्मल होगा, लेकिन ये अभी काफ़ी बढ़ेंगे, ये अभी 6 महीने में, लेकिन 5 महीने है इनका जो है ना, और इनकी आंखें भी देख लें कि किस तरह से रेड कलर के, अलग एक रेड अलग आँखें होती हैं इनका, कलीजी टाइप की आँखें इनकी। ठीक है क्या डिमांड है इनकी? यार इनका डिमांड जो कर रहा है इनका 30,000 रुपये ट्रायो का कर रहा हूँ मैं, 30,000 रुपये ट्रायो का, लेकिन ये कि इसमें है, इसमें ये कि 20-22 तक में मैं दे दूँगा फाइनली तीनों ट्रायो। ठीक है। अच्छा ये प्योर ब्रीड हैं? प्योर ब्रीड, प्योर ब्रीड है, अभी ये इनके गर्मी की वजह से थोड़े से बाल इनके ऐसे होगा, मैं इनको स्प्रे करता रहता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अंगूरा बहुत गर्मी में रह नहीं पाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे पास इस माहौल में एनवायरनमेंट में रहा हुआ है और अच्छे पेयर है माशाल्लाह। जी ताहिर भाई यहाँ पे देख रहा हूँ मोर के चिक्स भी आपने रखे हुए हैं और यहाँ पे वाइट कलर में भी हैं, इसके अलावा ब्लैक शोल्डर भी हैं, मल्टीपल कलर में, ये बताएं कौन कौन से कलर इधर आपके पास मौजूद हैं और क्या डिमांड करें, किस एज के हैं ये? यार मेरे पास ये ब्लू शोल्डर के भी रखे हुए हैं, ब्लू शोल्डर का एक पेयर रखा हुआ है और एक मेल रखा हुआ है, फिर ये इसी तरह वाइट के अंदर मेरे पास ट्रायो भी है और कैमियू कलर के अंदर भी मेरे पास ब्रीड है, और ये सारे जो कैमियू हैं वो 4-4 महीने के हैं, बाकी ब्लू और वाइट जो हैं 3-3 महीने के बच्चे हैं ये।
ठीक है, ये जो हम लास्ट में देख रहे हैं कैमियो, ये लास्ट के अंदर ये कैमियो है जी। ये जो कैमियो हम देख रहे हैं ये 4-4 महीने के, क्या डिमांड कर रहे हैं इनके? यार कैमियो के जो कर रहा हूँ मैं 17,000 रुपये कर रहा हूँ पेयर की। 17,000 रुपये पेयर की डिमांड कर रहे हैं। और एज क्या इनकी? ये 4 महीने, 4-4.5 महीने के कैमियो हो गए। अच्छा, अभी इनको वैक्सीन वगैरह करा दिया? वैक्सीन कंप्लीट हुई हुई है इनकी, अभी जो करानी होती है 3rd महीने वो मैंने वैक्सीन करा दी है इनकी, और वैसे भी मेडिसिन चलाता रहता हूँ इनके लिए। ठीक है, ये जो वाइट है वाइट में ट्रायो भी मिल जाएगा, इसके अलावा पेयर भी ले सकता है जी। कोई, कोई तो पेयर लेना चाहे पेयर ले लें, मेरे पास एक पेयर रखा हुआ है और एक इसकी ये फीमेल रखी हुई है, मैंने ब्लू का मेल मेरे पास एक्स्ट्रा था तो उसके साथ मैंने इसको डाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वाइट का पेयर, इसकी क्या डिमांड है? यार वाइट का पेयर जो मैं 12,000 रुपये में दे रहा हूँ। 12,000 रुपये में 3 माह के हैं? तीन नहीं, एक पेयर, ट्रायो नहीं है, 12,000 में पेयर मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये एज 3 माह के हैं जी, 3 माह के, सॉरी 3 माह के, 3 माह के ये अभी बच्चे हैं, और वैक्सीन वगैरह कंप्लीट हुई? वैक्सीन हुई भी, वैक्सीन करवा दी। और ये जो ब्लू शोल्डर है जी जी, ये ब्लू शोल्डर का एक पेयर रखा हुआ है ब्लू का जी, इसके बारे में बताएं क्या डिमांड है? यार इसकी डिमांड करने को 10,000 रुपये कर रहे हैं, लेकिन ये कि 9,000 रुपये तक ये पेयर दे देंगे हम। 9,000 रुपये तक ये पेयर दे देंगे। ये भी 3 महीने के बच्चे हैं? ये भी 3, 3.5, 3 महीने, मतलब इस तरह से हिसाब इनका चल रहा होगा। ठीक है, और ये जो बीच में आपने रखा हुआ है ये, हाँ इसके अंदर ये मेरे पास ब्लू का मेल है और वाइट की फीमेल है, एक्स्ट्रा ये दोनों थे तो मैंने एक साथ केज खाली था तो मैंने इनका जोड़ा पेयर बना के डाल दिया है। इस पेयर की क्या डिमांड होगी सर? इस पेयर की मैं ये भी 9,000 में आप कर देंगे आगे। 9,000 रुपये में? 9,000 में दे देंगे, कोई अगर वाइट और स्टेल लेना चाहे तो। 9,000 ब्रीड आएगी वो पाइट बच्चे, वो पाइट बच्चे हो जाएंगे, उसकी ब्रीड जो आएगी तो पाइट बच्चे इंशाल्लाह निकलते हैं जी। ताहिर भाई ये जो हम फीजेंट देख रहे हैं इसके बारे में बताएं क्या डिमांड कर रहे हैं? यार ये रिंग नेक का फीजेंट है मेरे पास, इन्होंने अंडे काफ़ी दिए, मैंने इनके इनक्यूबेटर में बच्चे निकलवाए थे, अब ये थोड़ा नर जो है टाइम इसका ब्रीड का ख़त्म हो गया, मादी के पर नोच रहा था तो उसको मैंने मादी और नर को दोनों को अलग कर दिया है। वैसे इसकी डिमांड मैं 7,000 कर रहा हूँ, 6,000 तक मैं फाइनल में दे दूँगा ये पेयर। पेयर 6,000 में दे देंगे जी जी, पेयर 6,000 में ब्रीड कर चुका है, ब्रीड कर चुका है मैंने, बच्चे निकलवाए और निकलवा के यहीं दूसरी शॉप से मैंने सेल आउट भी किया जी। ताहिर भाई ये जो हम फार्मी चकोर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं जी। ये मेरे पास एक मेल आया हुआ फार्मी चकोर है ये, और काफ़ी अच्छा एक्टिव ये है, आप ये देख सकते हैं नर ये। अच्छा ये बताएं कि अभी एज क्या है इसकी, क्या डिमांड कर रहे हैं? ये अभी 8 महीने का हुआ है, पट्ठा है अभी। हाँ यूँ समझ ले, पट्ठा तो नहीं, मैच्योर हो गया अच्छा खासा ये, वो हो गया 8 से 9 महीने होगी लगभग, लेकिन ये अभी पूरा साल भर का नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या डिमांड कर रहे हैं इसमें? यार इसकी डिमांड जो कर रहे हैं 4,500 रुपये कर रहे हैं पर पीस की। 4,500 रुपये पर पीस, पर पीस की मेल की जी। ताहिर भाई ये जो हम देख रहे हैं बटन कॉयल है जी जी, ये बटन कॉयल के मेरे पास 2 मेल रखे हुए हैं ये दोनों, ये बड़ी आवाज़ बहुत अच्छी कर रहे थे तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग पिंजरों में डालकर वो कर दिया। अच्छा ये केज के साथ कितने का? ये केज 1,000 रुपये का दे देंगे ये केज के साथ। और वैसे अगर सिंगल कोई लेना, सिंगल कोई लेना चाहे तो ये कम से कम भी 700-800 रुपये से, 800 रुपये से कम का नहीं होता ये, क्योंकि इसके 1500-1600 कोई 2,000 में 1600-1500 इस तरह जोड़े चल रहे होते हैं इसके। ये जो लास्ट में रखा हुआ है ये क्या चीज़ है? यार ये लास्ट में रखा हुआ है ये एक कोई बंदा बाहर से कह रहा है मैं ब्रीड लेकर आया था इसकी, कहीं से उन्होंने मंगाए थे किसी और कंट्री से, कह रहा था मेरे पास ये पेयर है, एक दाना मर गया है और एक ही मुझे दे कर गया है भाई। अच्छा। और इसका मुझे अभी नाम नहीं पता, मैं व्यूवर्स के कहूँगा अगर कोई इसके बारे में कोई नाम जानता हो ये क्या चीज़ है तो मुझे खुद मेरे नंबर पे वॉइस कर दे कि व्हाट्सअप कर दे कि चीज़ ये चीज़ है। वैसे बटेर की ब्रेड लग रही है ये, मुझे भी बटेर की लग रही है लेकिन वो कह रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने ये 10,000 में पेयर मंगाया था भाई। अच्छा, जी ये सिंगल की क्या डिमांड है? अब सिंगल की वो सीधी बात ये मेरे को देखे गया भाई 3,000 रुपये का मैं 3.5 तक मैं दे दूँगा ये दाना, बोल अच्छा रहा, ये भी आवाज़ कर रहा है ना शाम को आवाज़ करता है लेकिन अच्छी सी आवाज़, इसकी बड़ी प्यारी आवाज़ निकल रही है जी। ताहिर भाई आपके पास गिनी पॉल के ये ब्रीडर पेयर मौजूद हैं? जी जी, ये तीनों मेरे पास ब्रीडर पेयर माशाल्लाह मौजूद है और इनके अंडे भी आ रहे हैं, एक लेंगे अंडे भी आ रहे हैं इनके। अच्छा क्या, ये वाइट के दोनों के आ रहे हैं लेकिन वो जो ग्रे कलर में आप देख रहे हैं सिल्वर में उसके नहीं आ रहे, इन दोनों के आ रहे हैं। अच्छा, तो वाइट वाला 3,500 रुपये है और ये ग्रे वाला 2,000 रुपये। वाइट वाला गिनी पॉल का जो ब्रीडर पेयर है 3,500 रुपये का बता रहे हैं और अंडे ये दे रहे हैं? अंडे दे रहे हैं, बिल्कुल अंडे। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रे वाला गिनी पॉल है ये कितने का? ये 2,000 में मिल जाएगा। 2,000 रुपये जी, ग्रे पाइट के अंदर है ये पूरा, ग्रे पूरा पाइट आ रहा है नीचे से, पूरा ये पाइट हुआ वाइट के अंदर आ रहा है तो ये पाइट कलर आ जाता है ये जी। ताहिर भाई ये जो हम देख रहे हैं ये कौन सी बर्ड है इसके बारे में बताएं और ये बताएगा क्या डिमांड करें इसकी? यार ये इसको वैसे इसका नाम जो ये गंदुमी चुड़िया के नाम से कहलाई जाती है, ये हमारे और इंडिया के बॉर्डर के बीच दरमियान होती है, इंडिया में भी होती हैं यहाँ पर भी होती हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना। हाँ, और लेकिन इसकी सिंगिंग ये मैंने जो रखा इसके रेट इतने नहीं है लेकिन ये सिंगिंग बहुत प्यारी है, जब ये सिंगिंग करती है तो जिस तरह जल हमारी बोल रही होती है जो लोगों के पास 33,000-35,000 में लोग डिमांडें कर रहे होते हैं जल की, ये उसी में की आवाज़ है बिल्कुल सेम इनकी, लेकिन बोलती कम है, दिन में 2-4 दफ़ा बोलेंगी चुप हो जाएंगी लेकिन ऐसे बोलती है जल बोल रही है। क्या डिमांड है इसकी? यार इसकी डिमांड जो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ये मांगते उसके 1200-1300 रुपये, लेकिन 1,000 रुपये में पेयर के हिसाब से दे दूँगा मैं विदाउट केज।
जी ताहिर भाई, जो हम कॉकटेल का पेयर देख रहे हैं उसके बारे में बताएं। बस ये कॉकटेल का पेयर है, ये इनोपाइट से निकले हुए बच्चे हैं, ये अब तो तैयार हो गए हैं, लेकिन इन्होंने ब्लैक आइज़ दी हुई है। हाँ, ब्लैक आइज़ हैं ये, ब्लैक आइज़ निकल आए हैं। बस ये कि बैड लक हो गया हमारा, गुड लक लगी हुआ है, ये ब्लैक आइज़ निकले हैं। ये मेरे कज़न के घर पर ब्रीड डली हुई है, तो उसके वहाँ से मेरे पास आए हैं। मेल फीमेल कन्फर्म है, यंग पेयर हैं अभी, यंग पेयर है, मेल फीमेल कन्फर्म हो गया। इन्होंने विस्लिंग करना शुरू कर दी है मेल ने। ठीक है, तो क्या डिमांड कर रहे हैं फिर? यार इसकी डिमांड तो मैं 8,000 रुपये कर रहा हूँ, यानी फाइनल 7,000 रुपये तक दे दूंगा ये। जी ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। यार ये क्रीम पाइट है, ये पाइट का जोड़ा कहलाता है ये, ठीक है ना। अगर ये कोई हमारा लेना चाहेगा, ये देखें बिस्लिक नर ने शुरू करी हुई, ये देखें। अच्छा, जी इसकी डिमांड वैसे 2,800-2,500 रुपये तक इसको फाइनली हम कर देंगे। जी ये लबर्ड के बारे में बताएं। यार ये लबर्ड जो है, ये अल्पाइनो लबर्ड है, इनका नाम अल्पाइनो कहा है इनको गया है, ये अल्पाइनो की ब्रीड है। ये कुल ब्रीडर पेयर मेरे पास है, इनके बच्चे भी मैंने मेरे घर पे भी इन्होंने मैंने इनकी ब्रीड ली है, इनके बच्चे लिए हैं मैंने। अच्छा जी, क्या डिमांड है पेयर की? यार इसकी डिमांड जो कर रहे हैं हम 4,500 रुपये कर रहे हैं, यानी कि 4,000 रुपये तक फाइनल पेयर दे देंगे ये। सारे ब्रीडर पेयर हैं? सारे ब्रीडर पेयर हैं ये। जी ये जो हम फिंच देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। फिंच यार ये नॉर्मल ब्रीड है, फिंच का हम इस टाइम पे 500 रुपये पेयर दे रहे हैं। 500 रुपये ब्रीडर पेयर है। जी ये जो हम देख रहे हैं जावा की ब्रीड, इसके बारे में बताएं। ये जावा है, एक मेरे पास सिल्वर की और ये ग्रे का एक पेयर रखा हुआ है, और दो वाइट के पेयर रखे हुए मेरे पास ये। अच्छा जी जी जी, तो क्या डिमांड कर रहे हैं पेयर? ये 3,000 रुपये कर रहे हैं, चाहे सिल्वर ग्रे से कोई ले ले, वाइट का पेयर ले ले, यानी कि डिमांड इसकी 3,000 है। वरना देने वाले जो रेट मैं फाइनल करूँगा 2,700 में दे दूँगा, कोई सभी पेयर ले लो, तीनों ब्रीडर पेयर हैं। तीनों ब्रीडर हैं? जी 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 जी। ताहिर भाई ये जो हम देख रहे हैं कॉकटेल, ग्रे कॉकटेल, इसके बारे में बताएं। जी ये ग्रे कॉकटेल है, एक ग्रे का पूरा पेयर रखा हुआ है, एक ग्रे का मेल है और फोन की फीमेल है, दो पेयर मेरे पास रखे हुए हैं। इसकी भी डिमांड मेरी 2,500, लेकिन 2,300 में फाइनल में दे दूंगा जो भी पेयर ले। जी ताहिर भाई ये जो आपके पास बजरीज मौजूद हैं, इसमें बताएं क्या सारे कॉमन हैं और क्या डिमांड कर रहे हैं? जी ये सारे मेरे पास कॉमन बजरीज रखे हुए हैं, इनकी डिमांड ये 500 रुपये पेयर दे रहे हैं हम लोग यहाँ के ऊपर। 500 रुपये ब्रीडर पेयर है। हाँ फेलो ले ले, कोई रेड आइज ले ले, जैसा भी ले ले, अलबत्त फेलो क्रिस्टेड हो या होगो उसके तो रेट अलग है, मैं आपको दिखाऊंगा पीछे रखे हुए मेरे पास। जो नॉर्मल बजरी है, रेड आइज है, फेलो है, जो नॉर्मल वाले हैं वो 500 रुपये जोड़ा हम लोग दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जी ताहिर भाई ये जो हम देख रहे हैं बजरी का पेयर, इसके बारे में बताएं। यार ये एग्जीबिशन का पेयर है, ये ग्रे एग्जीबिशन कहलाता है, सिल्वर भी कह लें, ग्रे भी कह लें, इसको जो भी कलर कह लें, ये एग्जीबिशन का पेयर है। इसकी डिमांड 4,000 रुपये है मेरी, 3,800 रुपये तक मैं ये पेयर दे दूंगा। ब्रीडर पेयर है ये, फर्स्ट ब्रीड करेंगे या ब्रीड कर? ये फर्स्ट ब्रीड करेंगे ये, यानी यंग पेयर है। हाँ बिल्कुल यंग पेयर है। अच्छा ताहिर भाई ये जो हम देख रहे हैं बजरी, ये क्या अंडर साइज है? ये अंडर साइज है, ये इनके माँ बाप जो हैं एग्जीबिशन के हैं, ये खुद जो हैं ये थोड़ा साइज़ में छोटे निकल आए मेरे पास ये, क्योंकि माँ बाप एग्जीबिशन के अच्छे खासे बड़े साइज़ में थे। ठीक है, तो ये बताएं क्या डिमांड कर रहे हैं इस पेयर की? यार इसकी पेयर की डिमांड तो 1,500 रुपये, यानी कि 1,300 रुपये तक मैं इसको दे दूँगा फाइनली। 1,300 रुपये में फाइनली पेयर। फर्स्ट ब्रीड करेगा ये, भी दादा चलूँगे, फर्स्ट ब्रीड करेगा, मेच्योर पेयर है, VIP पेयर। जी बाकी ये जो हम देख रहे हैं बजरी, ये बजरी नहीं, ये फेलो क्रिस्टेड के अंदर है, इसने मादी ने अंडे दिए हैं। अच्छा जी जी, मादी ने अंडे दिए हैं, ये फेलो क्रिस्टेड के अंदर मेरे पास पूरा ब्रीडर पेयर है। तो कितने एग अभी दिए हैं इसने? इसने 4 एग दिए हैं अपने हांडी के अंदर। ठीक है, तो ये एग के साथ ब्रीडर पेयर कितने? जी जी ये 1,500 में दे दूंगा मैं हांडी समेत, कोई अगर वीवर लेना चाहे तो 1,500 में ऐसी हांडी उतार कर उसको अंडर समेत दे दूंगा मैं। और उसके आगे आप चले जाएंगे, वो फेलो क्रिस्टेड रिंग बर्ड का मेल है और रिंग बर्ड की फीमेल मेरे पास डली हुई है, वो बजरीज के अंदर है, एग्जीबिशन साइज़ के अंदर है, वो पूरा उसने भी अंडे दिए हैं, वो 2,000 रुपये का पेयर है। 2,000 रुपये का पेयर है जी। जी ताहिर भाई डफ का पेयर, डायमंड डफ का क्या चल रहा है रेट इसके? यार डायमंड डफ मार्केट के रेट तो लोग 2,000 रुपये 2,200 में भी वो कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये एक पेयर रखा हुआ है, मैं इसको 1,600 में दे रहा हूँ भाई। 1,600 रुपये? जी जी, 1,600। ब्रीडर पेयर है ये? ब्रीडर पेयर है। रेड डफ के भी पेयर रखे हुए हैं, वो घर पे फार्म पे रखे हुए हैं मेरे 10 पेयर, अगर कोई इंटरेस्ट है तो रेड डफ के पेयर मैं दे दूँगा 3,500 रुपये के अंदर, और सब ब्रीडर हैं, किसी में अंडे भी होंगे तो वो साथ दे देंगे। जी ताहिर भाई ये जो हम कनेरी देख रहे हैं इसके बारे में बताएं क्या डिमांड है इसकी? यार ये मेल है मेरे पास, उसकी डिमांड मैं कर रहा हूँ 7,000 रुपये विद केज। हाँ तो सिंगिंग कर रही है? सिंगिंग बिल्कुल कर रही है, लेकिन कम कर रही है, गर्मियों में आपको पता है कनेरियाँ सिंगिंग इतना नहीं करती हैं, लेकिन कर जरूर रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चुप होकर बैठी हुई हो, काफ़ी सिंगिंग कर रही है। जी ताहिर भाई ये जो हम देख रहे हैं पेयर, इसके बारे में बताएं क्या डिमांड कर रहे हैं? यार ये ब्लैक मास्टर का पेयर है, इसकी डिमांड जो है 3,500 रुपये तक की है। ब्लू स्प्रिट के अंदर भी मेरे पास पेयर रखे हैं, वो भी मैं इसी 3,500-3,500 रुपये के हिसाब से पेयर लगे हैं, सब ब्रीडर पेयर हैं। ब्लू स्प्रिट के अंदर ये आपके पास पेयर हैं और ये ब्रीडर पेयर हैं? ब्रीडर पेयर हैं सब, ये तीन पेयर मेरे पास है, तीनों के तीनों ब्रीडर पेयर हैं। जी ताहिर भाई ये जो हम पिजन का पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं कौन सी ब्रीड है, क्या डिमांड कर रहे हैं? ये हाई फ्लायर का कबूतर हैं, इसको सियालकोटिया कहते हैं ये, और ये बेहतरीन ये ब्रीड है, इन्होंने मेरे पास अंडे भी दिए हुए हैं, और जिधर ये गए थे यहाँ से आए हैं वो इनके बच्चे लेके माशाल्लाह काफ़ी उड़ा रहे हैं। अच्छा तो क्या डिमांड है इस पेयर की? यार इसकी पेयर की डिमांड 3,000 रुपये कर रहे हैं, यानी 2,500 रुपये तक फाइनल दे देंगे ये।
जी ताहिर भाई, ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं क्या डिमांड कर रहे हैं। खाल का मेल है और शेराजी क्रॉस की ये फीमेल है। जी जी, इस पेयर की क्या डिमांड कर रहे हैं? यार इसकी डिमांड जो 3500 रुपए कर रहे हैं हम। अच्छा माशाल्लाह, इस पेयर ने भी ब्रीड की है, अंडे दिए हैं। इसके मैं पहले बच्चे ले चुका हूँ, अभी उसने सेकंड ब्रीड निकाली है मेरे पास, ये देख सकते हैं आप, ये अंडे दिए हैं उन्होंने। कितने का तक कर देंगे? यार ये 3000 रुपये तक के मैं दे दूँगा, कोई रिवर्स लेगा 3000 में जोड़ा दे दूँगा पूरा। जी ताहिर भाई, इस पेयर के बारे में बताएं। यार ये रेसर का मेरे पास मेल है, ये क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, रेसर का मेल है और काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के अंदर है, और ये फीमेल जो चप के अंदर आ रही है, फीमेल इतनी खास नहीं लेकिन नर बहुत इसमें खास अंदर है। तो इस पेयर की क्या डिमांड है? इसकी डिमांड जो है इसकी भी 3000 रुपये कर रहे हैं, यानी 25000 रुपये तक का मैं 2500 रुपये तक मैं ये पेयर दे दूँगा। जी ताहिर भाई, ये जो मुर्गा देख रहे हैं इसके बारे में बताएँ। यार ये जो मेरे पास ये मुर्गे हैं, ये जावा के अंदर ब्रीड रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा। ये सारे अच्छे अच्छे मुर्गे हैं, ये मेरे पास फाइटर लड़ाई वाले। ये अभी बेचारे गर्मी बहुत है, मैंने इनको थोड़ी देर के लिए धूप भी देनी पड़ती है, तो इसलिए इनको बाहर रखा हुआ है। बस ये कि आपके ये रिकॉर्डिंग हो तो मैं इनको अंदर केजों में रखूँ, ताकि ये परेशान हो रहे हैं धूप के अंदर। अच्छा ये बताएँ कि अभी इनकी एज क्या पट्टे हैं सब? नहीं यार, इसके अंदर बड़ी एज के भी हैं, सारे साल से 1.5 साल वाले हैं, ये छोटे नहीं। हाँ, तो क्या डिमांड कर रहे हैं? यार इनकी हमने एक डिमांड रखी हुई है, अभी जो हमारे पास ये सारे मुर्गे लगे हुए हैं इसमें 2500-2500 रुपये पर पीस के हिसाब से हमने लगाया हुआ है, जो अभी मेरे पास मौजूद है ये 5 मुर्गे इसमें। हाँ, 2500 रुपये पर पीस है इसमें, जो भी बंदा लेना चाहे इसमें से ले सकता है मुझसे, इसमें कोई डिस्काउंट वाला भाई वो नहीं होगा। जी ताहिर भाई माशाल्लाह, ये डियर आपके पास मौजूद है, टेम है ये? बिल्कुल टेम है, आपके सामने देख लें किस तरीके से मैंने इसको दुकान पर खड़ा किया हुआ, अगर ये वाइल्ड होता तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं खड़ा होता। ये तो बस क्या डिमांड है इसकी? यार इसकी डिमांड तो मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, ये 1,00,000 रुपए कर रहा हूँ इसकी डिमांड, यानी कि 90,000 रुपए तक ये देना है, लेकिन फुल टेम है, घर के अंदर आप इसको खोलें, लॉन्च में खोलें, कहीं पे भी खोलें, रोड पे भी खुला छोड़ दो तो भागता नहीं है। सिर्फ इस वजह से मैंने यहाँ पर इसकी चैन डाली हुई है, क्योंकि ये आप रोड का ट्रैफिक है, रश है यहाँ के, वह मेरी मेन रोड पर दुकान है तो उसमें परेशान हो रहा है, वरना अभी आप देख लें आपके सामने कितने लोग खड़े हैं, ये किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ना मार रहा है, कुछ नहीं है। अच्छा ये मेल है फीमेल है? ये मेल है भाई, मेल है ये। जी जी, अभी इसकी एज क्या है? ये इस टाइम पे हो चुका है भाईजान, पूरे 2 साल का हुआ हुआ मेरे पास, ये 2 साल का हुआ। अगर कोई ब्रीडिंग के हवाले से देखे तो तैयार है बिल्कुल, पेयर अरेंज हो जाएगा, पेयर मिल जाएगा, पेयर भी मेरे पास होते हैं, मेरे पास हिरन के बच्चे भी आते हैं, अगर कोई रब्ता करना चाहे तो इंशाल्लाह उसको मिल जाएंगे। अच्छा अगर कोई पेयर लेना चाहे और इरादा करे तो इस मेल के साथ फीमेल लगाएंगे तो कितने तक का हो जाएगा? अगर इस मेल के साथ कोई अगर मुझसे लेगा तो मैं उसको 70,000 रुपये, 1,70,000 रुपये का पड़ जाएगा इस मेल के साथ। वैसे कोई जोड़ा लेता है तो मुझसे 1,30,000 रुपये का पड़ेगा उसको, ब्रीडर जोड़ा जो वाइल्ड होंगे। ठीक है, ये कौन सी ब्रीड है वैसे? चिंगारा कहलाती है। चिंगारा? जी जी, चिंगारा ब्रीड कहलाती है। तो व्यूवर्स, आज ये ब्रीड मौजूद थी ताहिर भाई के पास, उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आया होगी। जी ताहिर भाई, आखिर में ये बता दें कि ये जो आपने रेट अभी वीडियो में कोट किए हैं तो ये फाइनल प्राइस है या इसमें जो डिस्काउंट हो सकेगा व्यूवर्स के साथ करें? मैंने जो रेट बताने के होते हैं वो करके मैंने इसमें सेट कर दिया, आपको खुद ही बार्गिंग कर दी है, लेकिन फिर भी कोई अगर व्यूवर्स करेगा तो जितना मेरे से हो सकेगा इंशाल्लाह ताला मैं उनके साथ कॉपरेट कर लूँगा आपके व्यूवर्स के साथ। ठीक है, अपना नाम बता दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा। मेरा नाम हसन ताहिर है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर 03112476220 कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये बता चलो मेरे पास इंशाल्लाह ये बकरा ईद के बाद सुरखाब के बच्चे भी आ रहे हैं, रिंग नेक के भी, रेड गोल्डन के भी, ये सारा बच्चा मेरे पास इंशाल्लाह आ जाएगा बकरा ईद के एक हफ्ते के बाद। और मेरे पास अगर किसी को टापरी बकरियां, जो छोटी नाटी बकरियां होती हैं टापरी बकरियां, अगर वो भी चाहिए तो मेरे पास अवेल है, वो फार्म पर मेरे रखी हुई है, तो इंशाल्लाह अगर कोई इंटरेस्ट हो तो मुझसे रब्ता कर ले, मैं सेल आउट के लिए मेरे पास रखी हुई है। ठीक है ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक मेरी तरफ से भी, हमारे सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत दिली से ईद मुबारक। जज़ाकअल्लाह। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज की कवरेज आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी, आप तमाम व्यूवर्स के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंशाल्लाह इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।